नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। हमारे साथ आज स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरी बाईं तरफ हैं संजय पासवान जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और फिलहाल बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। और मेरी दाहिनी तरफ हैं राजनीतिक समीक्षक कुमार दिनेश। हम इन दोनों से जानेंगे कि बिहार के चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे। बुद्धिजीवियों का एक वर्ग ये मानता है कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मगर बिहार का वोटिंग जो है वो अंततः जाति के आधार पर ही होता है। मतदाता जातियों के आधार पर वोट करते हैं, जबकि महागठबंधन और एनडीए दोनों इस बात का दावा कर रहे हैं कि विकास के आधार पर वोट होगा। एनडीए ये कह रहा है कि हमने विकास किया है पिछले 15 सालों में और उसी के आधार पर जनता हमें फिर से कुर्सी सौंपेगी। दूसरी ओर महागठबंधन ये कह रहा है कि विकास में ये सरकार फेल रही है, इसलिए जनता हमें मौका देगी। सच क्या है, जनता क्या चाह रही है, इस पर हम दोनों लोगों की राय जानेंगे। संजय पासवान जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जनता किस आधार पर वोट करेगी और इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं? देखिए, आपने कहा कि अंततः जाति पे चुनाव होना है। मैं इस बात का मैं खंडन करता हूँ जी। देखिए, सबसे कम जातिवाद का असर अगर है तो बिहार में है, उस पर हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे। हम बिहार बदनाम इस मामले में है और बिहार ने चूंकि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे न्याय करने का प्रयास किया है, इसलिए दिखाई पड़ता है कि साहब जातिवाद यहाँ पे विजिबल है। ऐसा है नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि जो जातिवाद का, ठीक है, एक ग्रुपिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो ग्रुपिंग जाति के आधार पर नहीं है? ग्रुपिंग निश्चित तौर से जाति के आधार पर ही है और इस देश में ऐसा कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ जाति के आधार पर ग्रुपिंग नहीं है। दलों का समर्थन जाति के आधार पर है जी। वो थोड़ा बहुत ब्रेक किया अगर किसी ने है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही थोड़ा बहुत ब्रेक किया है कि जाति से उठ के धर्म पे आए कम से कम, और एक पूरे हिंदू समाज पे आए, सनातन धर्म पे आए, ये बात है। इसलिए ये कहना कि साहब जातियों का पूरे इस देश में देखे, लिंगायतों का अपनी पार्टी, भोकालियों की अपनी पार्टी, रेड्डी की अपनी पार्टी, कम्मा की अपनी पार्टी, जाटों की अपनी पार्टी, देख लें आप जो मराठों की अपनी पार्टी, अकालियों की अपनी पार्टी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये जाति पर सबसे कम आधारित आज अपने यहाँ नक्सलाइट मूवमेंट में मुम्यार मिल जाएंगे आपको, कैश मिल जाएंगे, ब्राह्मण मिल जाएंगे, सोशलिस्टों में भी सब, मतलब की बात भले गरीबों की हो, लोअर कास्ट की हो, लेकिन हर जाति के लोग हर जगह है। ये अलग बात है कि कहीं किसी पार्टी में कोई जाति अधिक है, कोई कम है, तो ये कहने का है। इसलिए ये बीजेपी एक पार्टी है जहाँ पे हर जाति के लोग हैं। तो यानी आप इसको खारिज कर रहे हैं कि जाति के आधार पर वोटिंग नहीं होती? नहीं, मैं खारिज करता हूँ जी। कुमार दिनेश, आपकी क्या राय है, जातीय आधार पर वोटिंग होती है या फिर मतदाता को देख करके लोग वोट करते हैं या विकास के नाम पर वोट करते हैं? मुझे लगता है कि बागी जी, आपने जो दोनों बातें कही हैं, दोनों बातों में अर्ध सत्य है। जाति भी प्रभावित करती है और विकास भी प्रभावित करता है, और किस क्षेत्र में जाति चलेगी, किस क्षेत्र में विकास चलेगा, ये क्षेत्र वाइज बदल सकता है, लेकिन दोनों ही बातें हैं चलती हैं। जैसे कई क्षेत्रों में ऐसा होता है कि लोग जिनको हम जातिवाद या जातियां कह के थोड़ा सा निगेटिव कंटेक्स्ट में कोट करते हैं, दूसरी तरफ उसका पॉजिटिव कंटेक्स्ट ये होता है कि लोग जातीय अस्मिता से जोड़ते हैं जी। और देखिए, जातीय अस्मिता से जोड़ते हैं इसीलिए जब मंत्रिमंडल का गठन होता है या विधानसभा में जब टिकट के बंटवारे की बात होती है तो सभी दल, इसमें कोई अपवाद नहीं है, सभी दल जातीय प्रतिनिधित्व पर जोर देते हैं ताकि मतदाता अपनी जाति को उपेक्षित न समझे। अर्थात आपके जो कहने का है कि जाति या विकास, तो मैं ये कह रहा हूँ नहीं, दोनों। और व्यावहारिक राजनीति में दोनों ही चल रहा है। नीतीश जी भी और या तेजस्वी जी की पार्टी है वो भी, या सभी पार्टियां कमोवेश, जैसे अभी संजय जी ने कहा कि हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है या ऐसा नहीं, सभी कमोवेश सभी जगह इस तरह की बातें हैं। तो दोनों फैक्टर प्रभावित करते हैं, किसी क्षेत्र में कोई फैक्टर ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। तो मुझे लगता है कि जाति और विकास दोनों ही भारतीय राजनीति के संचालक तत्व हैं जी। और वो कभी कभी किसी कालखंड में कोई चीज ज्यादा हावी हो जाती है, कोई भी कम। अब जैसे देखिए, जो इस देश में जो बड़े परिवर्तन हुए 1977 के, उसमें तो कोई जाति नहीं काम कर रही थी,
कहीं जाति फैक्टर नहीं था। 1980 में जब इंदिरा गांधी की वापसी होती तब भी जाति नहीं चली, और इवन 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी की जो छवि बनकर के देश में एक नए नायक के रूप में उभरती है, तो उसमें भी मुझे लगता है कि जातियां सबसे कम प्रभावित करती। मगर जो ये राष्ट्रीय दल चाहते हैं कि मुद्दों के आधार पर वोट हो, बिल्कुल, मगर जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं जो राज्यों में सीमित हैं, वो तो चाहती है कि जाति के आधार पर वोट हो ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सके, जातियां एक गठबंधन करके सीट पा सके वो। हाँ, तो उनके चाहने से क्या होता है, जैसे देश में ऐसी भी पार्टी है, मायावती जी की पार्टी, उन्होंने मायावती जी ने खुद कहा कि मैं तो देश में अस्थिर और कमजोर सरकार चाहती हूँ। यह तो राजनीति में अब निजी स्वार्थ या दलीय स्वार्थ को स्वीकार करने की पराकाष्ठा है, तो उनके चाहने से क्या होता है, अंततः तो मालिक जनता है, वो तय करेगी कि विकास के मुद्दे पर हमें वोट देना है कि जाति के मुद्दे पर देना है। अच्छा संजय जी, आप जन आंदोलनों से जुड़े रहे हैं और सामाजिक गतिविधियों में भी काफी शामिल रहे हैं, जनता वोट देते समय किस बात को सोचती है, जो वोटर है वो क्या सोच करके वोट करता है? देखिए अच्छी बता दे, तो जनता जब मतदाता के रूप में सोचता है तो कई चीजों को देखता है, वो एक तो अपने आप को कनेक्ट करता है पहले, एक होता क्या कई बार कि अब अगर बिहार से कोई पीएम बनना है तो बिहार के सब जाति के लोग एक हो जाते हैं, अरे ये आदमी पीएम बनने के लिए खड़ा है। बिहार से, बिहार के किसी जिले से कोई सीएम के कैंडिडेट बराबर है तो जिला के सब लोग एक हो जाते हैं। क्या कि इंस्टेंट मुद्दा क्या होता है उस पर डिपेंड करता है, और कनेक्ट, अब कनेक्ट हो फिजिकल कनेक्ट हो, कास्ट कनेक्ट हो, लैंग्वेज का कनेक्ट हो, स्टेटस कनेक्ट हो, तो एक कनेक्ट करता है। जैसे कि अब लालू यादव में हम कुछ भी कह लें, जो विरोध करें बाकी बात है, लेकिन पब्लिक से जो कनेक्ट होने का उनका जो स्पीच का स्टाइल, उनका भाषण का है, वो अद्भुत है देश दुनिया में। दूसरा मैं कहता हूँ कि नीतीश जी का, नीतीश जी की जो क्लैरिटी है, स्पष्ट सोच और चीज़ों को जिस तरह से समझदारी इनकी है, वो लोग कहते हैं साहब अगर नीतीश जी कुछ कह रहे अगर हैं तो उसमें कुछ बात है, कोई लोग को बात है, ऐसे इनको अचानक नहीं कहा जा रहा है। तो एक इन्होंने कनेक्ट किया अपने आप को एक थिंकर्स के रूप में, एक बड़ा स्ट्रेटजिस्ट के रूप में थिंक। मगर नीतीश जी की तो आप आलोचना किया करते थे कुछ दिन पहले तक। ऐसा है कि हम सब लोग आलोचना नहीं, जिसे समीक्षा कर रहे हैं दिनेश जी, तो हम सब लोग भी एक समीक्षा साल भर पहले, अभी चुनावी साल मैंने नहीं किया है, तो साल भर पहले मैंने उनके बारे में अपने कुछ कमेंटमेंट किए थे और मैंने कहा था उनके बारे में, लेकिन बाद में उसको लोग पॉलिटिकली लोगों ने कर दिया है, लेकिन हम उस बात को नहीं, लेकिन अब जब युद्ध के जंग के मैदान में हम लोग हैं तो हमारा जो कमांडर है उस कमांडर पर हम लोग पूरा अपनी ताकत लगाए हुए हैं, वही कमांडर रण जीतेगा, वही जंग जीतेगा और इसे बिहार का मुखिया होगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि कुछ तात्कालिक मुद्दे होते हैं जिन कारणों से ये होता है, अभी हम लोग हैं तो एक आदमी अपने आप को कनेक्ट कैसे करता है इस बात पर डिपेंड करता है, वो कनेक्ट में जाति भी एक फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है दिनेश जी, जाति भी एक फैक्टर है, क्योंकि आप मान लें इस देश में जाति यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी हिंदू समर्थ है, इस जातिवाद पे कितने हमले हुए आप देख रहे हैं, आप बुद्धा ने हमला किया, महावीर ने हमला किया, पेरियार ने हमला किया, अम्बेडकर ने हमला किया, लोहिया ने हमला किया, आज वामपंथियों ने हमला किया, लेकिन ये मिट रही है क्या? इसलिए मैं तो मानता हूँ कि जाति के अवधारणा को या जाति को के संस्थान को हम लोग को पुनः अवलोकित करना चाहिए, रिविजिट और रिव्यू करना चाहिए, आखिर कौन सी ऐसी बात है जो जाति का संस्थान टूट नहीं रहा है, इसलिए एक फैक्टर है लेकिन ग्रेजुअली ढीला हो रहा है, और ढीला हो रहा है कि और वो नए स्वरूप में, मैं मानता हूँ कि वो ढीला हो रहा है, ढीला हो रहा है, और पॉलिटिक्स का समय या इलेक्शन का समय जो होता है वह उसको और जो ढीलापन है पूरा टाइट कर देता है। मैं मानता हूँ उस चीज़ों को कि इलेक्शन के टाइम में जाति की ताकतें जो है सो पुनः एक नए ढंग से उभरती है, जाति के आधार पर कैंडिडेट खोजते हैं लोग, जाति आधार पर लोग वोट देते हैं लोग, जाति आधार पर लोग कैंपेनर खोजते हैं लोग, तो यह जो इलेक्शन का टाइम है, क्या चुनाव के समय में हम सब लोग जाति को बिना मुद्दा बनाए कर सकते हैं क्या? तो समाज ढीला करता है उसको है। और चुनाव जो उसको और आकर के टाइट कर देता है, ये चिंता की बात है। दिनेश जी, जो संजय पासवान जी ने कहा कि जातीय बंधन ढीले पड़े हैं मगर राजनेता उसको टाइट करते रहते हैं और नए नए घराने छोटे छोटे खड़े कर लेते हैं, आप इससे कितना सहमत हैं? क्या राजनेताओं के कारण जातीय व्यवस्था मजबूत हो रही है या फिर
जो इस देश की संरचना है, जो सामाजिक सोच है, उसकी वजह से जातीय व्यवस्था मजबूत हो रही है। मैं ये कहूँगा कि देखिए, संजय जी ने एक बात कही कि जाति एक यथार्थ है और उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है और फिर से उसके पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इसमें एक सूत्र मुझे ये दिखाई पड़ता है, एक रजत रेखा या सिल्वर लाइन ये नज़र आती है कि लोहिया ने भी कहा कि जाति एक यथार्थ है और उसको मजबूत करने वाली प्रवृत्तियां भी समाज में दिखाई पड़ती हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि राजनीतिक लोग जिस अर्थ में जातियों को मजबूत करते हैं वो एक दूसरी बात है, जिस अर्थ में उन्हें मजबूत होना चाहिए वो एक दूसरी बात है। जैसे मैं उदाहरण ये दूंगा कि जो भी जातियां भारत में हैं, मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिस भी जाति की बात आप करिए, उसकी एक जातीय परंपरा है, उसका एक जातीय वैशिष्ट्य है, उसकी एक उसका एक कौशल है। लेकिन हम जब बातचीत करते हैं तो सब हर एक जाति, बिहार में हो चाहे कहीं भी हो, संजय जी ने ठीक कहा, सभी जगह है, तो जब भी हम किसी जाति की बात करते हैं तो जब हम बात करेंगे तो उसकी निगेटिविटी की चर्चा करेंगे। जैसे किसी जाति का नाम लीजिए, मान लो मैं केवल उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी ब्राह्मण का नाम लीजिए, अरे पंडित जी ऐसे होते हैं, आप उनकी केवल निगेटिविटी देखेंगे। आप किसी क्षत्रिय की बात कीजिए, हमारा सिनेमा उनको शोषक अत्याचारी बता रहा है। किसी दलित की बात कीजिए तो उसको उसकी निगेटिविटी बताएंगे, अरे उसी समाज में हमारे वाल्मीकि होते हैं, उसी समाज में रैदास पैदा होते हैं, उसी समाज में और लोग भी। तो हमारा जातिवाद इस अर्थ में बुरा है कि वह दूसरी जाति की निगेटिविटी देखता है। एक समय था संजय जी की, जब कांग्रेस का शासन था तो उस समय जनसंघ और बीजेपी का डर दिखा करके मुसलमानों का वोट लेने की कोशिश होती थी। आज बिहार में आप लोग लालू का डर दिखा करके ऊंची जातियों का वोट लेने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो लालू यादव को सत्ता से हटे 15 साल हो गए, 15 साल से ज़्यादा ही होने जा रहे हैं। तो ऐसे में फिर से लालू यादव को आप सामने ला करके और वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कितना उचित है? आप अपने काम के आधार पर क्यों नहीं वोट मांग रहे? मैं इस बात से समझ रहा। देखिए, पॉलिटिक्स का मैंने एक बड़ा डेफिनेशन कि पॉलिटिक्स क्या है, तो कहा कि पॉलिटिक्स है कि साहब डिसकंटेंटमेंट को आप कितना कैश करते हैं, आप मतलब किसी के असंतोष को, किसी के विरोध का, विपक्ष का कितना उसका कैश करा सकते हैं। तो होता क्या है कि आज भी इस देश में मैं मानता हूँ कि निगेटिव पॉलिटिक्स और पॉजिटिव पॉलिटिक्स, निगेटिव पॉलिटिक्स कांग्रेस की देन है। कांग्रेस कभी डर के नाम पे, कभी आज़ादी की लड़ाई के नाम पे, कभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा उसके नाम पे, कभी युद्ध के नाम पे, तो एक कांग्रेस ने जो एक राजनीति की परिभाषा गढ़ी वो परंपरा, चूंकि प्रेसिडेंस वही हो गया, परंपरा वही हो गया, कुल मिलाकर उस पर चला। जैसे हम सब लोग भी, आप देख रहे हैं, हम सब लोग भी जो 14 में आते हैं दिल्ली की सरकार में, नरेंद्र मोदी आते हैं, तो मैं मानता हूँ वह पॉजिटिव से अधिक निगेटिव ही था। कांग्रेस के मिस रूल को, कांग्रेस के मिस गवर्नेंस को लोगों ने खारिज कर दिया, ये हुआ। तो उसके बाद से हम लोग आए, लेकिन हमारी वापसी जो 19 में होती है भारतीय जनता पार्टी की, ये मानता हूँ कि मैं पहली बार इस देश में आज़ादी के बाद से एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स का आगाज होता है। तो ये मानते हैं कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स के आगाज करने में अभी भाजपा एक पार्टी है जो बिल्कुल इसमें आगे है। नहीं, मगर बिहार में तो उसका असर नहीं दिख रहा ना। बिहार में चूंकि देखिए, बिहार में ऐसे भी, चूंकि बिहार में हमने कहा कि बिहार में चूंकि ऐसे भी नीतीश जी का ग्वालियर सरकार है, वही नीतीश जी जो कल तक साथ में थे लालू जी के, एक सोशलिस्टिक बैकग्राउंड के लोग हैं, तो जो समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग होते हैं उनका एक सब कुछ कॉमन होता है। तो मुझे लगता है कि एक उस कारण से, तो इस दृष्टिकोण से, लेकिन जब से साथ में हमारे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, तब से एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करना वाणी में, विचार में, बाहर में, तो ये लगता है, मुझे लगता है कि कुल मिला के देश में चाहे जातिवाद हो, चाहे करप्शन हो, चाहे कुशासन हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, ये सब खत्म तभी होगा जब हम सब लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स को अपनाएंगे एज ए टूल। निगेटिव पॉलिटिक्स में पावर पा सकते हैं, पावर को लंबे समय तक लेके रखना, ये तो बिहार में वही कर रही है आपका गठबंधन। मतलब ये मैं कहता हूँ, चूंकि बिहार में, चूंकि आप देख रहे हैं कि बिहार में भाजपा को अभी तक कभी, आप देख रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट स्वरूप में त्रिपुरा में भाजपा आ गया,
हरियाणा में भाजपा आ गया, यूपी में आ गया अकेला। मतलब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हम सब लोग सोशलिस्टिक भी हैं और नेशनलिस्टिक भी हैं, हम लोग राष्ट्रवाद में किया। मेरा सवाल ये है कि लालू का भय दिखा करके वोट लेना कितना उचित मानते हैं आप? इस बार आप देखें न तो लालू को उनके बेटों ने आगे रखा है और न ही हमारे सीएम डिप्टी सीएम साहब उनके बारे में बहुत कम से कम बोल रहे हैं। ये प्रयास इस बार हो रहा है कि मतलब बिना लालू के भी हम लोग लालू को बिना डिस्कोर्स में लाए हुए ये करें। अब भाषणों में भी अपने कैंपेन में भी लालू को न तो आरजेडी के लोगों ने रखा है और नहीं मगर आप लोग तो इसलिए हम लोग भी कहीं कहीं रख रहे हैं। कुछ आपको क्या लग रहा है कहीं कहीं रख रहे हैं कि क्या एनडीए अपने प्रचार अभियान में लालू को सामने नहीं ला रही है, लालू के का भय दिखा करके वोट लेने की कोशिश नहीं हो रही है? नहीं, ये देखिए थोड़ा सा शब्दावली का अंतर है। आप इसको कह रहे हैं कि लालू का भय, तो मैं इसको ये कहूंगा कि लालू राज का जो मिसरूल था उस मिसरूल को वो केवल जस्ट दे आर रिमाइंडिंग कि वो ऐसा आपके पास अब विकल्प ये है कि अगर आप एनडीए सरकार चुनते हैं तो ये विकास की धारा जो है वो थोड़ा वो आगे बढ़ेगी। अगर आपने काम किया है तो आपको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए, उसके आधार पर वोट मांगना चाहिए, उसमें लालू को या किसी और को लाने की जरूरत क्या है? अगर आप इसको तुलनात्मक रूप से ही कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि एनडीए की चुनौती खुद एनडीए से है कि, और जैसा आप कह रहे हैं और लोग भी यही कहेंगे, ये बात भी सच है जो आप कह रहे हैं कि साहब केवल लालू का भय दिखा करके कि उन्होंने बहुत मिसरूल किया, आप अगेन मैंडेट नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है कि एनडीए को ये करना चाहिए, ठीक है लालू का मिसरूल की तरफ, लालू के मिसरूल की तरफ लौटना नहीं है, लेकिन जो अब तक का जो विकास है वो भी बहुत फूल प्रूफ और जितना अपेक्षित गति थी वो नहीं है। संजय जी, ये एक माने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनमानस में भी ये धारणा बैठ गई है कि बीजेपी जो है वो ऑपरेशन नीतीश में लगी हुई है, यानी नीतीश के कद को कैसे छोटा किया जाए, कैसे डैमेज पहुंचाया जाए, और इसके लिए उसने एलजेपी को मोहरा बनाया है, लोक जनशक्ति पार्टी को, और चिराग पासवान बीजेपी की बात बोल रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है और मैं इस बात का घोर निंदा और खंडन दोनों करता हूँ। देखिए, हमने अभी जिन नेताओं ने एलजेपी से टिकट लिया उनको हमने कल ही निकाल दिया, उन लोगों ने, ऐसे 9 लोग हैं जिनको निकाला है। और हमारे कल भूपेंद्र यादव जी कल शुरुआती कैंपेनिंग का किया है, उन्होंने जमुई से किया है। तो इस ढंग से मतलब हम सब लोग को यूं कह ले कि साहब निश्चित तौर से एक भ्रम की स्थिति तो है हमारे लिए, और इससे नुकसान हमारा हो रहा है क्योंकि जदयू के लोग या जदयू का जो रैंक एंड फाइल है उसके मन में एक मैसेज जा रहा है कि भाजपा करवा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसीलिए भाजपा को ही प्रूफ करना है, और इसको प्रूफ करने के दृष्टिकोण से ही हम लोग लगातार हम इस बात के लगे हुए हैं, और संपर्क में भी हमारे टॉप नेता उनके संपर्क में हैं कि साहब इस तरह की बात कोई कन्फ्यूजन ना पैदा हो जाए। हमने हमारे नेता सुशील मोदी जी ने कहा कि जो कोई भी इस्तेमाल एनडीए के अलावा जो कोई भी इस्तेमाल करेगा हमारे नेताओं के फोटोग्राफ का उस पर हम केस मुकदमा करेंगे। मगर चिराग तो लगातार पीएम के साथ अपने नजदीकी साबित कर रहे हैं। ये उनकी स्ट्रेटजी है, लेकिन कुल मिलाकर के हम सब लोग को भी अपनी ओर से सफाई देने में हम लोग कोई कोताही नहीं छोड़ रहे हैं। और चूंकि अब उनके पिताजी भी मिनिस्टर नहीं रहे, दुनिया में नहीं रहे और यहाँ भी वो नहीं है, तो आज की स्थिति में मुझे लगता है कि उनकी आजादी ज्यादा हो गई है, उनकी लिबर्टी ज्यादा हो गई है। तो वो एनडीए के हिस्सा है कि नहीं? लोजपा आज की तारीख में एनडीए का हिस्सा नहीं? हमारे नेताओं ने कहा कि लोजपा सेंट्रल एनडीए का हिस्सा है और स्टेट एनडीए का हिस्सा नहीं है। इस दृष्टिकोण से ही स्टेट एनडीए का मतलब 4 पार्टी है, भाजपा है, जदयू है, हम है और बीजेपी पार्टी है। यह स्पष्ट हमारे नेताओं ने कहा, हम भी कह रहे हैं। कुल मिलाकर के अब जो स्थिति है देश भर में, देश के पैमाने पर उनका है, इसलिए अब लोजपा क्या कर रही नहीं कर रही उस पर बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं कर रहा हम लोग है। तो ये विभिन्न विषयों पर हमने इन दोनों की राय जानी और कई बातें स्पष्ट हुई कि एक तो कि जैसा कि संजय पासवान जी का मानना है कि कोई रिश्ता नहीं है लोजपा और भाजपा के बीच, मगर ये परसेप्शन है जनता के बीच और खास करके जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच, और उसका घाटा जो है वो भाजपा को उठाना पड़ रहा है, और इसकी सफाई ये कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच, मैसेज कर रहे हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बिहार में कोई गठबंधन नहीं है उनके साथ, लोजपा के साथ। मगर ये बात कितनी
जड़ तक जाती है, कितने नीचे तक जाती है और जनता कितना इस पर भरोसा करती है, ये देखने वाली बात होगी। कुमार दिनेश जी भी ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि बिहार में जो चुनाव होते हैं तो वोटर कई चीज़ों को ध्यान में रखकर वोट करता है, उसमें जाति भी है, विकास भी है और क्षेत्र का जो कल्याण का एक है कि कैसे कल्याण होगा, किसके पास विजन है, उसको भी ध्यान में रखती है। मगर ये दुखद है कि आज हम अपने नायक के रूप में किसी अपराधी को मानते हैं, जो जातीय अपराधी है, किसी खास जाति का है कोई अपराधी है, तो नौजवान जो है उसके पीछे दीवाने होकर के घूमते हैं। ये बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा है और जब तक हम जातीय आधार से ऊपर उठकर सिर्फ विकास के नाम पर वोट नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि हम जिसे वोट देने जा रहे हैं वो हमारा विकास, हमारे क्षेत्र का विकास करने के लायक है कि नहीं, कोई विजन है कि नहीं, कोई दृष्टि है कि नहीं और उसकी सोच क्या है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव में वोटर जो हैं वो किसी बंधन में नहीं आएंगे, किसी प्रलोभन में नहीं आएंगे और इन सब से ऊपर उठकर सिर्फ बिहार के विकास के लिए वोट करेंगे, तभी हम सम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं और हमारा प्रदेश आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ हम अपनी बातचीत समाप्त करते हैं और बहुत जल्द फिर आपसे मिलेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार, युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम, बिहार का महासंग्राम सिर्फ HS न्यूज पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।